प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। पीएम की मां हीराबेन मोदी के निधन के बाद देश से लेकर विदेश तक हर कोई अपनी संवेदना जता रहा है। देश विदेश के तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके देहांत पर दुख प्रकट किया। इस बीच पीएम मोदी की माता हीराबेन के निधन पर मुरादाबाद के मुस्लिम समाज ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए अल्लाह से दुआ की है। जुमे की नमाज के बाद मुरादाबाद में मौलाना मोहम्मद नाजिम असरफी ने मुस्लिम समाज के मोइज्जत लोगों को जमा करके कोहिनूर इलाके में आज प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीराबेन के निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए अल्लाह से दुआ की है। प्रधानमंत्री हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं और उनकी वालदा का आज स्वर्गवास हो गया है, तो उसी के सिलसिले में हम लोगों को बड़ा दुख है। और माँ तो माँ होती है, माँ किसी की भी माँ हो, हमारे देश के वज़ीर आज़म की माँ इस दुनिया को रुखसत कर गई हैं, अलविदा कह गई हैं, तो उसी के सिलसिले में हम जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कहना चाहेंगे कि ये बड़े एक शोक का, बड़े दुख का समय है, और माँ चाहे बुज़ुर्ग हो या माँ जवान हो, माँ माँ होती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माँ का स्वर्गवास हुआ है, तो हम लोग सभी दुखी हैं, और उसी के सिलसिले में हम जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके हिसाब से उन्हें भगवान स्वर्ग में जगा दें। हमने दुआ यही की थी कि अल्लाह उनको बेहतर से बेहतर जगह अता फरमाए, उनके हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से उन्हें स्वर्ग में अच्छी जगह अता फरमाए, उन्हें अच्छी जगह दे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दे। समुदाय से मुस्लिम से हूँ मैं मौलाना आदमी हूँ, और मेरे हिसाब से तो समुदाय कोई भी हो, मैंने जैसा कि अभी कहा कि माँ तो माँ है, वो माँ चाहे हिंदू की माँ हो या मुसलमान की माँ हो, और ये तो हमारे देश के एक वज़ीर आज़म की माँ है, और मुझे नहीं लगता कि माँ में कोई फ़र्क होता, माँ सबकी माँ होती है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहेंगे लोग थोड़ी देर के लिए अपने गम का इजहार करें, दो मिनट के लिए ही सही, खामोश रहकर, उसे हिंदी में मौन भी कहते हैं, खामोश रहकर अपने गम का इजहार करें और इस चीज़ को एहसास करें, दिल पे लें कि हाँ, हमारे देश के वज़ीर आज़म की माँ आज इस दुनिया से रुखसत हो गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार की सुबह 100 साल की उम्र में निधन हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अस्पताल के मुताबिक हीराबेन मोदी ने यूएन मेहता हॉट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 30 दिसंबर 2022 की सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली।